Hi and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is part 30. So इस पार्ट में जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इसी एनिमेशन को जो वॉक साइकिल है हमारी. लास्ट पार्ट में हमने कुछ जो है वो पोजेस बनाए थे. अगर मैं ऑल्ट वन से ये कंट्रोल अनऐड करूँ और ये कंट्रोल सेलेक्ट करें तो आप देखें ये हमने कुछ पोज बनाए थे. फर्स्ट पोज और हमारा मिडल का जो ऑपोजिट है और लास्ट पोज. ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्रेस थी बेसिकली. तो इस पार्ट में जो है हम फर्दर इसमें पोजेज ऐड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इसको मैं सबसे पहले तो मैं जो है वो अपना रेफरेंस इमेज ओपन कर लेता हूँ. तो ये हमारा रेफरेंस इमेज था बेसिकली, और हमने ये कॉन्टैक्ट पोज बनाया था फर्स्ट, और ये कॉन्टैक्ट पोज जो हमारा लास्ट था वो बनाया था, और ये जो मिडल में है ये वाला पोज आपने बनाया था जो ऑपोजिट था. उसके बाद आप देखें तो इसमें डाउन एक्सट्रीम है, उसके बाद पासिंग पोज है, उसके बाद अप एक्सट्रीम है. तो हम क्या करेंगे, इन पोज को छोड़ के हम मिडल मिडल पकड़ते हैं. इस तरह ये पकड़ा, फिर ये और फिर ये. इसी तरह हम पासिंग पोज बनाएंगे. ठीक है, इस साइड पे भी और जो ऑपोजिट साइड है वहां पे भी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माया में चलते हैं और कंट्रोल जो अनहाइड है हमारे, और एक दफा इस पोज को देख लेते हैं. ये पासिंग पोज है, ये लेग जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है हमारी, और दूसरी लेग जो है वो इस तरह बेंड हुई हुई है, और ये फुट इसके करीब है जो इसको पास कर रहा है. तो ये पोज बनाते हैं और अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे. अगर हम ये भी देखें कि ये हमारा हाफ बन रहा था, हम 24 फ्रेम पर सेकंड जो है वो एनिमेशन बना रहे हैं. आई एम रियली सॉरी, 24/7 मैंने बोल दिया. तो उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली अगर हम जाएं तीन तीन के फर्क पे तो ये हमारा पासिंग पोज बनता है. तो लेट्स से कि ये एक पोज छोड़ के जो कि हमारा बनता है 3 पे, ठीक है, और 4 पे, ठीक है, 4, और उसके बाद हमारा 8, और उसके बाद 12, या हम 3-3 के ऊपर भी जा सकते हैं अगर हम ये पोज भी बीच में ऐड करना चाहें अप एक्सट्रीम. ठीक है, तो देख लेते हैं बाद में जो हमारी कीज हैं उनको स्लाइड कर लेंगे, इतना इशू नहीं है. फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं और 8 पे जो है ये पोज बनाते हैं. 8 पे हम जाएंगे और देखें यहाँ से ये वाला जो फुट है पीछे आ रहा है, तो इसने बेसिकली ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाना है. मैं यहाँ पे आऊँ अगर 8 पे, ठीक है, और 8 पे मुझे पता है कि अगर मैं इसके ये सारा कुछ ज़ीरो कर दूँ, और माँ सिवाय के इसके रोटेट ज़ीरो होगा, ठीक है जी, और उसके बाद ये क्यों नहीं ज़ीरो हुआ, ज़ीरो, ये ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा भाई, मैंने सही सेलेक्ट किया हुआ है, ज़ीरो, ओके, नाम पैड नहीं चल रहा था मेरा और मैंने गौर नहीं किया वहाँ पे. और उसके बाद मेरा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और लेट्स से कि मैं वाई भी ज़ीरो कर देता हूँ, ये है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा. और इसको पकड़ेंगे और W प्रेस करेंगे, W प्रेस करके इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर देंगे. ठीक है जी, इतना सा बेंड रहने देते हैं. उसके बाद ये मुझे पता है कि इसने इसको जो है ये बेसिकली क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, और अभी मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये आया, ठीक है, और ये, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने इसको क्रॉस करना है. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, और बेसिकली इसकी रोटेशन जो है वो सही नहीं है. सही से मुराद ये है कि फ्री रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बेसिकली रोटेट होता है यहाँ से आपके एंगल से, यहाँ से, ठीक है, इसका पिवट यहाँ पे होता है, जबकि इसका पिवट जो है हील पे है. तो ये बड़ा एक ऑकवर्ड सी रोटेशन हो रही है, ये देखें यहाँ से, जबकि फुट की रोटेशन यहाँ एंकल से होती है. आप रियल जॉइंट भी अगर देखें और मोस्टली रिग्स में भी यहाँ पे ही होता है. अभी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, ये फ्री रिग है ऑब्वियसली, तो इसी के साथ ही काम करेंगे. लेकिन वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर यहाँ से ही होता है, जो कि ठीक भी है. ये ज़रा इसकी जो है वो रोटेशन काफ़ी ऑकवर्ड लग रही है, तो अभी यही यूज़ करते हैं. और लेट्स से कि इसका ट्रांसलेट वाई मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और ये जी इधर ही रहने देता हूँ, और इसका मैंने फुट रोल ये भी करना है जी ज़ीरो, उसका टो मैंने ये भी ज़ीरो करनी है, ठीक है, और उसके बाद
इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये गालिबन लेट से यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि अगर तो ये फुट हम लेट से यहाँ पे कर देते हैं तकरीबन, ठीक है, मतलब इसकी हाइट ऊपर कर देते हैं, तो जितना भी ये जो स्टेप है, ये फुट जितना ज़्यादा हाई करेंगे, हाई करके ये स्टेप ले रहा है, इट्स मीन के वो करेक्टर या वो एनिमेशन वो उतनी ही एनर्जेटिक है, ये करेक्टर उतना ही एनर्जेटिक है, ये शो करता है। और जितना ये मतलब स्टेप नीचे करके ले रहा है, उतना ही लेट से के बस नॉर्मल वॉक है, जो वॉक आपकी होती है, ठीक है। तो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे करके, और इसको मूव भी कर लेते हैं लेट से, और यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रोटेट है, रोटेट ये सेंटर में आना चाहिए, तो लेट से कि 12 इसका सेंटर बन रहा है, और ये हमने मतलब स्ट्रेट होना चाहिए कहने से मुराद ये है। तो अब अगर मैं देखूँ, ये देखें ये, ठीक है, और ये जा रहा है, ठीक है, और ये इसको ऑब्वियसली हम एडजस्ट करेंगे जब बीच में दूसरे पोजेज ऐड करेंगे, अभी हम फिलहाल ये वाले पोजेज ऐड कर रहे हैं, और ये इसका पोज बन गया। और अब मुझे पता है कि मैंने यही पोज इसका यहाँ पे बनाना है, लेट से कि ये 8 फ्रेम है का फर्क है, तो यहाँ पे हमने 20 पे बनाना है, ठीक है, और ये 1 to 8 है, तो उसके बाद इतना ही हमें फर्क हो रहा है, 20 पे नहीं, सॉरी, हाँ 20 पे बनाना है, ठीक है, 20 पे बनाएंगे, ये फ्रेम यहाँ पे जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे फ्रेम बनेगा, ठीक है जी। और इसी तरह ही हम यही फर्क देते जाएंगे, ठीक है, और इसको एनालाइज करते हैं दोबारा, ठीक है, और ये हमारा पोज बन रहा है जी, ठीक है, ये 1 फ्रेम छोड़ के उसके बाद ये पोज हम स्किप कर रहे हैं, उसके बाद ये पोज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और इसके बाद दोबारा ये आपका बन रहा है और ये आपका पासिंग पोज बन रहा है, ठीक है। तो हम ये एक पोज मिस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे फिर वो स्टेप रखेगा और यहाँ पे 20 पे जाके ये वाला जो है फुट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फिर यहाँ से ये आया, ठीक है, और उसके बाद ये गया, और उसके बाद ये रेड वाला, रेड वाले को सिलेक्ट करना है और 20 पे जाएंगे, 20 पे जाके ये सारा कुछ हम कर देंगे जी 0, और ये भी हम करेंगे जी 0, ये फुट रोल भी इसका हुआ हुआ है, और ये भी कर देंगे 0, ठीक है। और दोबारा हम अगर यहाँ पे देखें और इसको सिलेक्ट करें, इसकी हाइट तकरीबन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लेट से, कंट्रोल सी, और 20 पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये की भी लग जाएगी और वो भी हमारा एडजस्ट हो गया। अब बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे अगर आप आएँ, ये है और ये है, यहाँ पे ये जो पोज है हमने ये सेट करना है, ठीक है जी, ब्लू वाले को यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको लेट से मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, इसका सबसे पहले तो ये मैं सब 0 कर देता हूँ ताकि ये फ्रेश स्टार्ट हो, ये भी 0 कर देते हैं, और इसको भी हम ले जाते हैं यहाँ पे, इसको रोटेट कर लेते हैं और आई बॉलिंग कर लेते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी करें, यहाँ पे आई बॉलिंग करेंगे, और लेट से जी ये इसकी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जाते हैं, तो ये देखें ये फुट कुछ इस तरह है, यहाँ पे जाएंगे और ये देखें अभी आपको टूटा हुआ भी नज़र आ रहा है, ये इतना ठीक नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए वो नेचुरल है, आप भी अगर चलें तो वो एग्जैक्ट कभी भी सेम नहीं चलते, सिर्फ ये चीज़ मैंने देखनी है कि ये रिलैक्स हो, ये वाला जो जॉइंट है इसकी, ठीक है, ये एंकल है इसका, ये इसका रिलैक्स हो, ये ब्रेक नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ब्रोकन है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ, और यहाँ पे देखें जंप करके, ये है और ये है, एक चीज़ करनी है हमने, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे देखूँ 12 है और यहाँ पे ये 12 हो रही है, तो हमने यहाँ पे जाना है बेसिकली, यहाँ पे आएंगे ये और ये, ठीक है जी, ये जा रहा है 12, और उसके बाद ये कम हुआ, ठीक है, ये इधर जाते हैं पर्सपेक्टिव में, और
यहाँ से ये टू कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव आ गया, और पर्सपेक्टिव पे आके इसको देख लेते हैं, ठीक है ये बराबर है, कोई इतना बुरा नहीं लग रहा। और यहाँ पे मैं आता हूँ राइट व्यू में, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैक्सिमाइज कर लेते हैं व्यू, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये आ रही, ठीक है, और ये आ रही, ठीक है, ये ठीक है जी, और ये हाइट इसकी सेम है। यहाँ पे अगर देखूँ तो ये हाइट बन रही है, और यहाँ पे देखूँ तो ये हाइट इसकी सेम है, ठीक है जी, और ये गए, ये 12, 12 ये गया इधर, और उसके बाद ठीक है जी। अभी इसको प्ले करके देखते हैं, ऑल्ट वन से कंट्रोल हाइड करेंगे और उसको प्ले करते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारी जो वॉक है आप समझें कि वो लग रही है, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ व्यू, ठीक है, ये लेट से कि जी इस टाइम चल रहा है, ठीक है, ये कुछ वॉक बन गई। ऑब्वियसली ये हमें कुछ नज़र आना स्टार्ट हो गया है कि कोई करेक्टर है वो चल रहा है, हमें समझ आ रही है कि ये चल रहा है, ठीक है। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल ऐड करेंगे, और इसमें करेक्टर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनुमा के लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।